बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11 क्लास मैथ्स चैप्टर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम की एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है, इफ़ द कांस्टेंट टर्म एंड द एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस के बाई एक्स पावर 8 होल 11 इज 1320, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है, इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो मालूम करते हैं। तो इसका तरीका, जनरल टर्म हमें गिवन है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन आर ए एन माइनस आर बी आर। ठीक है, विच इज इक्वल टू एन हमारे साथ 11 है, आर अननोन है, ए हमारे साथ है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब होल पावर एन 11 है माइनस आर, और बी हमारे साथ है k बाई एक्स पावर 8 होल r, विच इज इक्वल टू 11 आर एक्स पावर 11 थ्री आर 33 माइनस 3 आर। ठीक है, और ये आ जाएगा k पावर r और x पावर माइनस, ये ऊपर x पावर माइनस 8, मतलब ये आ जाएगा x पावर 8 r, एक्स पावर 8 आर, तो विच इज इक्वल टू 11 आर एक्स पावर 33 माइनस 3 आर, और ये प्लस 8 आर, ऊपर माइनस 8 आर हो जाएगा, तो माइनस 3 आर माइनस 8 आर से आता है माइनस 11 आर। ठीक है, एन टू के पावर आर, तो विच इज इक्वल टू, अब हम कांस्टेंट टर्म मालूम करते हैं, मतलब एक्स पावर 0 होना चाहिए, तो 33 माइनस 11 आर इज इक्वल टू 0, तो 33 इज इक्वल टू 11 आर, बोथ साइड डिवाइड बाई 11, तो आर इज इक्वल टू 3, तो आर की वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई, विच इज इक्वल टू 11 3, और ये टर्म जीरो हो गया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, और k k पावर 3 इज इक्वल टू, k पावर 3 इज इक्वल टू, अब ये हमें गिवन है 1320 है। ठीक है, 1320, तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 11 पिक्टोरियल डिवाइड बाई ये कम्बिनेशन है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, 11 माइनस 3 पिक्टोरियल एन टू 3 पिक्टोरियल एन टू के क्यूब इज इक्वल टू 1320, या 11 पिक्टोरियल, 11 पिक्टोरियल में ले सकता हूँ 11 एन टू 10 एन टू 9 एन टू 8 पिक्टोरियल, 11 माइनस 3 से आता है 8 पिक्टोरियल एन टू 3 पिक्टोरियल बराबर है 3 एन टू 2 एन टू 1 का, एन टू के क्यूब इज इक्वल टू 1320। ठीक है, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो यहाँ पे 8 पिक्टोरियल 8 पिक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। ठीक है, तो 3 5 जार 15, 15 11 जार 165, के क्यूब इज इक्वल टू 1320, बोथ साइड डिवाइड बाई 165, तो k क्यूब आ जाएगा 1320 डिवाइड बाई 165, तो k क्यूब इज इक्वल टू 3 5 ज़ार 15, 2 5 ज़ार 10, 32 आ गया, 6 5 ज़ार 30, 4 5 ज़ार 20, 11 3 ज़ार 33, 6 8 3 ज़ार 24, 8 3 ज़ार 24, 11 1 ज़ार 11, 11 8 ज़ार 88, तो k क्यूब आ जाएगा 8, तो k हमारे साथ आ जाएगा 2, क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट आज बहुत सारे। ठीक है, तो हमारे साथ k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नंबर 2 है, n 0 प्लस n 2 प्लस n 3 प्लस अप टू n n इज इक्वल टू, तो इसका सम किसके बराबर है। ठीक है, तो हमारे साथ दो फार्मूले हैं, एक हमारे साथ फार्मूला है 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू, या x प्लस वन होल n, ये हमारे साथ बराबर है n ज़ीरो बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करता हूँ, n ज़ीरो एक्स पावर ज़ीरो, ठीक है, प्लस एन वन एक्स पावर वन प्लस एन टू एक्स स्क्वायर प्लस आखिर में आएगा एन एन एक्स पावर
एन, ठीक है। अब और दूसरा है एक्स माइनस वन होल एन इज इक्वल टू, जब माइनस वन है तो हमारे साथ इस तरह आएगा एन एन ज़ीरो एक्स पावर ज़ीरो प्लस एन वन माइनस वन, जब माइनस है तो एक टर्म प्लस होगा, एक माइनस होगा, बाइनोमियल थ्योरी में हमने पढ़ा है, ठीक है, प्लस एन टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक माइनस एक प्लस होगा, तो इन दोनों को ऐड कर ले, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर ले और फिर एक्स की जगह वन पुट कर ले, तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन होल एन प्लस एक्स माइनस वन होल एन। अब जब मैं ये ऐड करता हूँ तो ये टर्म टू एन ज़ीरो आ जाएगा, एक्स पावर ज़ीरो वन के बराबर है, अब ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस टू एन टू एक्स स्क्वायर, फिर तीसरा टर्म प्लस, ये प्लस होगा ये माइनस, वो कैंसिल हो जाएगा, फिर एन फोर होगा टू एन फोर एक्स क्यूब एंड सो ऑन, और आखिर आ जाएगा टू एन एन एक्स क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हमने मालूम करना है इसका सम, इसमें x नहीं है तो x वन पुट कर ले, x ख़त्म करने के लिए पुट x इज इक्वल टू वन, तो ये आ जाएगा वन प्लस वन, तो ये टू पावर n आ जाएगा, और प्लस जीरो, वन माइनस वन से जीरो आता है, जीरो पावर n जीरो, तो यहाँ से टू पावर n आ जाएगा, यहाँ हम टू कामन लेते हैं, सब में टू मौजूद है, n ज़ीरो प्लस एन टू प्लस एन थ्री एन फोर एन सिक्स अप टू एन एन, ठीक है, बोथ साइड डिवाइड बाई टू, तो टू पावर एन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू दिस, तो ये मैं लिख सकता हूँ टू पावर टू एन टू टू पावर माइनस वन विच इज इक्वल टू टू पावर एन माइनस वन, और इस साइड पे ये टर्म आ जाएगा, ठीक है, तो ये टर्म हमारे साथ बराबर है टू पावर एन माइनस वन का, ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नंबर थ्री है द मिडल टर्म एंड द एक्सपेंशन ऑफ एक्स माइनस वन ओवर एक्स होल टू एन, इसका मिडल टर्म मालूम कर ले, ठीक है, तो जनरल फार्मूला हमें मालूम है, जनरल फार्मूला हमारे साथ है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन आर ए एन माइनस आर बी आर, ठीक है। अब मिडल टर्म के दो तरीके हैं मालूम करने के, अगर इवन हो, टू टू से मल्टीप्लाई होते हैं, इसका मतलब ये है कि इवन है, तो उसका फार्मूला है एन प्लस टू डिवाइड बाई टू, अगर आठ हो तो फिर दो फार्मूले हैं, दो मेडल टर्म होंगे एन प्लस वन बाई टू और एन प्लस थ्री बाई टू, ठीक है, लेकिन हमारे केस में ये होगा एन प्लस टू डिवाइड बाई टू, तो अब हमारे साथ एन क्या है, टू एन है, तो ये आ जाएगा टू एन प्लस टू डिवाइड बाई टू, अब इसमें टू कामन है तो एन प्लस वन डिवाइड बाई टू आ जाएगा, ठीक है, तो टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे साथ ये n प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, तो टी आर प्लस वन हमारे साथ आ जाएगा, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन आर, अब यहाँ पे n हमारे साथ क्या है, टू एन है, ठीक है, और r क्या है, टर्म हमारे साथ n प्लस वन है तो r हमारे साथ n होगा, r हमारे साथ क्या होगा, n प्लस वन, क्योंकि n प्लस वन टर्म मेडल टर्म है, तो यहाँ पे r हमारे साथ क्या होगा, n होगा, तो टू एन एन, और ए हमारे साथ क्या है, ए हमारे साथ है इसमें एक्स है, ए हमारे साथ एक्स है, तो एक्स पावर एन माइनस आर, एन हमारे साथ टू एन है और माइनस आर, ठीक है, और बी आर, बी हमारे साथ है माइनस वन ओवर एक्स, बी हमारे साथ है माइनस वन ओवर एक्स होल आर, और आर हमारे साथ एन है, सो टी एन प्लस वन इज इक्वल टू टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू एन माइनस एन फैक्टोरियल एन टू एन फैक्टोरियल और एक्स पावर टू एन माइनस एन से आता है एन, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस वन पावर एन डिवाइड बाई एक्स पावर एन, ठीक है, अब ये भी एक्स पावर एन है, ये भी एक्स पावर एन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे साथ बच जाएगा टी आर प्लस वन या टी एन प्लस वन आ जाएगा टू एन फैक्टोरियल और माइनस वन होल पावर एन और टू एन माइनस एन से आता है एन फैक्टोरियल एन टू एन फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू माइनस वन होल पावर एन टू एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, ठीक है, तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नंबर फोर है द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल 24। लार्जेस्ट कोएफिशिएंट हमारा हमेशा मिडल टर्म होगा, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट हमेशा लार्जेस्ट होगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो यहाँ इसका पावर 24 है, 24 का मतलब है कि इसमें टोटल टर्म कितने होंगे, 25 होंगे। तो जब ये इवन हो, जब ये इवन हो तो मिडल टर्म इसका होगा, फार्मूला होगा n प्लस 2 डिवाइड बाई 2, मतलब कि n क्या है, 24 है, 24 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 13। मतलब इसका मतलब ये है कि 13 टर्म हमारे साथ मिडल टर्म होगा, इसका 13 टर्म हमारे साथ मिडल टर्म होगा। तो आपको पता है कि बायनॉमियल फार्मूला जब हम ओपन करते हैं तो हम किस तरह लिखते हैं, n0 n1, पहला हम n0 मतलब n ही क्या है 24 0, फिर दूसरा टर्म 24 1, फिर इसके साथ टर्म प्लस 24 3 प्लस 24 4 24 5, तो 24 12 हमारे साथ मिडल टर्म आता है। ठीक है, यहाँ जीरो से स्टार्ट कर लें तो 13 टर्म हमारे साथ ये आता है 24 12, तो लार्जेस्ट टर्म हमारे साथ कौन सा है 24 12। और ये आप टी आर प्लस 1 फार्मूले से भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि 20 जब ये 24 हो तो नंबर ऑफ टर्म एन प्लस 1 होंगे, ठीक है, तो 25 होंगे, तो 25 का मिडल 13 होगा और 13 हमारे साथ 24 12, अगर इस हिसाब से हम कर लें 24 0 24 1 24 2 3 4 5 6, तो 24 12 हमारे साथ मिडल टर्म आता है। ठीक है, और मिडल टर्म मैक्सिमम है, ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट है, तो 24 से 12 हमारे साथ सबसे ग्रेटेस्ट है। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट एन प्लस 1 नेचुरल नंबर इज, हमें पता है कि नेचुरल नंबर के लिए समेशन के लिए फार्मूला है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, एन के लिए है, तो यहाँ पे लिखा है n प्लस 1, तो इसका मतलब ये है कि n के जगह पुट कर ले n प्लस 1, यहाँ भी n के जगह पुट कर ले n प्लस 1, ये प्लस 1 अपने जगह पे डिवाइड बाई 2, विच इज इक्वल टू n प्लस 1 एन टू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 2। आप टेस्ट में आप देख लें कि n प्लस 1 लिखा है या n माइनस 1 लिखा है या n माइनस 2, तो आप यहाँ n की जगह वही वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर सिक्स है द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस वाई होल 7, x प्लस वाई होल 7 की कोएफिशिएंट का सम मालूम कर लें, तो x प्लस वाई होल 7 अगर आप बाइनोमियल से ओपन कर लें तो ये होगा 7 0 x पावर n मतलब x पावर 7 y पावर 0 प्लस 7 1 x पावर 6 y पावर 1 प्लस 7 2 एक्स पावर 5 वाई पावर वाई स्क्वायर प्लस 7 3 एक्स 4 वाई क्यूब प्लस 7 4 एक्स क्यूब वाई 4 प्लस 7 5 एक्स 2 वाई 4 प्लस 7 6 एक्स और वाई 5 और प्लस वाई 4, ये वाई 5 है और ये वाई 6 है, 7 7 एक्स पावर 0 और वाई 7। ठीक है, तो आप देख लें कि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट का सम किस तरह मालूम करेंगे, यहाँ से अगर हम एक्स और वाई ख़त्म कर लें, एक्स और वाई की जगह पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, ताकि यहाँ से x और y ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये सारे 1 हो जाएंगे, तो हमारे साथ यहाँ x की जगह 1 पुट कर ले और y की जगह 1 पुट कर ले, तो 1 प्लस 1 होल 7 इज इक्वल टू 2 पावर 7, और 2 पावर 7 से आता है 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 32, 64, 128, तो इससे हमारे साथ आता है 128। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ए प्लस अंडर द रूट बी होल 12। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनोमियल से आप इसको ओपन कर लें, तो पहला टर्म होगा एन जीरो ए पावर एन अंडर द रूट बी पावर जीरो, फिर एन वन, फिर आहिस्ता ई डिक्रीज होगा और ई इंक्रीज होगा, ए एन माइनस वन होगा मतलब 12 और ये 12 माइनस वन और ये बी पावर अंडर रूट बी पावर वन, इसका ऐसा आखिरी टर्म होगा एन एन, तो ये ए 12 ए 0 हो जाएगा और ये अंडर द रूट बी ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ 1 के बराबर है एन एन और ई भी 1 के बराबर है और अंडर द रूट बी 1 ओवर 2
आवर 12, तो 2 1 2 2 6 12, तो इससे हमारे साथ बी पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।